दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। गोचर वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने पहले दिन के कार्यक्रम में गुरु से और चंद्रमा के इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से राशिफल कैसे तैयार किया जाएगा इस पे कार्यक्रम बनाया था। दूसरे दिन के कार्यक्रम में मैंने शनि के सापेक्ष चंद्रमा के परिवर्तन और उसके साथ बनाए गए संबंधों के आधार पे आपके राशिफल को तैयार करने के बारे में बताया था। तीसरे यानी कि आज के कार्यक्रम में चंद्रमा आपकी मूल जन्म कुंडली ये है और ये आज का गोचर है। मूल जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं और आज के गोचर में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उससे कैसे संबंध बनेगा, तो कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, यही लेकर के आया हूं। इस पे अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। आपकी राशि में चंद्रमा जहां भी बैठे हों, आपकी मूल जन्म कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा बैठे हैं आप उसे देख लीजिए। अब उसके बाद आपको आज का गोचर निकालना है कि आज की तारीख कौन सी है, आज के डेट के हिसाब से ग्रहों का मूवमेंट किस राशि में हो रहा है। आपको उसमें सिर्फ चंद्रमा को देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां कहां बैठे हैं और आज के गोचर में चंद्रमा किस राशि से गोचर कर रहे हैं। अगर वो जहां राशि में बैठे हैं उसी से गोचर कर रहे हैं तो आज का दिन सुखद और लाभदायक बीतने वाला है, बड़ा अच्छा बीतने वाला है। जहां चंद्रमा बैठे हैं अगर उसी राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, मतलब उस राशि से दूसरे, मतलब यहां पे अगर मान लीजिए मेष राशि में बैठे और गोचर में चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से दूसरे भाव में, ये ठीक नहीं होता और ये कई बार मानसिक चिंता और व्यग्रता बढ़ाने वाला होता है। धन हानि के संकेत भी दे रहे हैं ये ग्रह। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये कार्यक्रम, चंद्रमा के गोचर से अपनी दिनचर्या सेट करना और उस दिन का आकलन करना कि कैसा रहने वाला है। तो जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं वहां से अगर चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव में हो रहा हो, मतलब एक राशि आगे, तो ये आर्थिक परिदृश्यों में सावधानी के संकेत देते हैं। अगर जहां आपकी कुंडली में राशि में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वहां से तीसरे घर से चंद्रमा का गोचर हो रहा है, इसका अर्थ होगा कि ये आप में उत्साह, बल और पराक्रम भरने का काम करेगा। आपकी कम्युनिकेशन पे काम आ जाएगी चीज और बर्ताव आपका अच्छा रहेगा साथ के लोगों से और उन लोगों का आपसे। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां जिस राशि में बैठे हैं मूल जन्म कुंडली में वहां से चार घर आगे गोचर कर रहे हो, तो ये मानसिक व्यग्रता देते हैं, घर में कलह का वातावरण बनाते हैं और कई बार पेट दर्द की शिकायत देते हैं। और कई बार यही जो बचपन में हम लोगों को हमेशा होती रहती थी, आज माथे का दर्द है, आज पाँव में दर्द है, आज पेट दर्द कर रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, स्कूल का टाइम जाने का खत्म तो पेट दर्द भी गायब। ऐसे ही ये चंद्रमा यहाँ पे चौथे भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को पेट से, हृदय से और कई बार पेट दर्द में मरोड़ आदि की समस्या आदि आदि देते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उससे अगर पांचवें गोचर कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा संकेत नहीं देते हैं। ये कई बार धन हानि कराते हैं और कई बार व्यग्रता और जल्दबाजी में आकर के व्यक्ति के निर्णय को गलत साबित करवा देते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी कमजोर हो सकती है और आप परेशान भी हो सकते हैं आज के लिए गए निर्णय से भविष्य में। जहां चंद्रमा बैठे हैं आपकी राशि में अगर उस राशि से छठवें जाएंगे तो उत्साह बना रहेगा, साहस बना रहेगा, दुश्मनों की कमी हो जाती है, उससे मैत्री हो जाती है, दिन अच्छा बीतता है, साहस, आत्मबल, आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ता है। अगर ये चंद्रमा आपकी राशि से छठवें गोचर कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आज मुझे थकने की आवश्यकता नहीं है, मैं आज थकूंगा नहीं, आज जी भर के काम करूंगा, हृदय से खोल करके काम करूंगा, हृदय से काम करूंगा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं
वहां से सातवें गोचर कर रहे हैं, मतलब उस राशि से सात घर आगे, तो ये दिनचर्या को ठीक रखते हैं, संतुलित बनाते हैं, भोजन ठीक होता है, अच्छा पकवान मिल जाता है खाने को, और पार्टी वार्टी हो जाती है, मैत्री हो जाती है, नए लोग मिल जाते हैं, दाम्पत्य अच्छा होता है, घर परिवार का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बीतता है। अगर चंद्रमा जहां बैठे हैं आपकी राशि से वहां आठ अगर आगे बैठे हैं, मतलब आठ राशि, सात राशि के बाद आठवीं राशि में गोचर करेंगे, तो ये चिंता देते हैं, व्यग्रता देते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं, अचानक अचानक से विपत्ति आने लगती है, ये हुआ, थोड़ी देर बाद ये हो गया, उधर से ये भी हो गया, इधर से ये भी, अचानक से सारी समस्याएं एक साथ आने लगती हैं। चंद्रमा जहां राशि में बैठे हैं मूल जन्म कुंडली में, वहां से नौ घर आगे भी बहुत संतुलन नहीं देते, और कई बार ये आपको अचानक से दूर भेज देते हैं, उसी दिन प्लानिंग हो जाती है, और कई बार अचानक से कहीं और जाना पड़ता है, बना बनाया काम कई बार थोड़ा रुक जाता है, और कई बार इंतजार करने की हद हो जाती है। वहीं चंद्रमा अगर जहां बैठे हैं आपकी राशि से 10 और 11 बैठे हो, काम काज ठीक चले, नौकरी अच्छी बीतेगी, दिन अच्छा बीतेगा, दिनचर्या अच्छी रहती है, प्रभाव बना रहता है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होती, मन प्रसन्न रहता है, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, आत्मबल की कमजोरी नहीं होती, परिवार के लोगों के साथ घर का सुख मिल जाता है, ऑफिस में बड़े अच्छे काम चलते हैं, प्रमोशन वगैरह की खबरें सुनने को मिल जाती हैं, और अच्छा अच्छा होता है। 12वां व्यय कराते हैं, व्यय हो चाहे स्वास्थ्य पे, चाहे घर परिवार के लोगों पे, चाहे संतति पे, चाहे आपके स्वास्थ्य के ऊपर, हेडेक हो, माथे के दर्द की स्थिति बढ़ जाती है, और कई बार बहुत सारी चीजें उस दिन को थोड़ी सी प्रभावित, ये उस दिन की बात है, महीने भर के लिए नहीं बोल रहा, ये सिर्फ उस दिन की बात बताई है। ये आपका राशिफल है जो आप स्वयं से ही घर बैठे अपने से सिर्फ 2 मिनट के समय से ही देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? निंदा करना, दो लोगों की बात चल रही है और वहां पे तीसरे व्यक्ति को बीच में ला करके उसके प्रति विद्वेषण का भाव पैदा करना, आशुरी शक्तियों से युक्त होना, खूब खाना, खूब भोजन करना, बहुत सारा चीज खा जाना, और बचाने की शक्ति में लगा रहना, बचाने की जुगत है। जैसे नेता मदाड़ियों को देखा होगा, खूब बचा लो, ये यहां पे इसके नाम, ये यहां पे इसके नाम, ये ऐसे बचाने की जुगत में है। दान नहीं करना, दान देने में मन महसूस जाए, रुक जाए, सोचने लगे नहीं नहीं इतना नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को देना है तो ये इतना नहीं देना चाहिए, अरे पंडित जी तो इतने में ही काम चला लेंगे। क्रोध की अधिकता और बर्बरता, हिंसा से युक्त भोजन करना, और बिल्कुल ही नपुंसक हो जाना, सिर्फ अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना और बाकी धर्मों को नीच समझना। पर दूसरा धर्म है कहां और था कहां? एकमात्र सनातन ही तो है, सनातन वैदिक आर्य परिवार ही संपूर्ण है, उसके अतिरिक्त तो कोई था ही नहीं, वो तो बाद में बने हैं, जिनकी पुस्तिका इतनी पतली पतली है, जिसको लकवा मारा है। हमारे ग्रंथ धनी हैं ज्ञान से, तर्क वितर्क से, मजबूती से, प्रश्न के शास्त्र से, योगों से मजबूत हमारा सनातन, और इसमें कुछ नपुंसक लोग पैदा हो जाते हैं जो इन पे ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, यह समझना बहुत आवश्यक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।